पूर्व विधायक एवं पिधौली के मुखिया पर गोली चलाने वाला दो अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार अपराधी के पास से दो देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस बरामद। दो अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय। तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिधौली पंचायत निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता तेघड़ा के पूर्व विधायक ललन कुंवर एवं उनके पुत्र ग्राम पंचायत राज पिधौली के वर्तमान मुखिया अनुराग कुमार सन्नी के ऊपर बीते शनिवार को अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई थी। इस घटना के संबंध में तेघड़ा थाना में कांड संख्या 327/24 दिनांक 28.09.24 धारा -126/2-109.35(1)(2)/352(3)/5 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस की टीम ने इस मामले में एसटीएफ के सहयोग से 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल 02 अपराध कर्मियों को 02 देशी कट्टा एवं 02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने रविवार को तेघड़ा थाना के कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि इस घटना में तेघड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में तेघड़ा थाने की पुलिस टीम के द्वारा सूचना आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल एक अभियुक्त नितेश कुमार उर्फ नितेश नयन उर्फ मुरला पिता नवीन झा ग्राम पिधौली थाना तेघड़ा जिला बेगूसराय को हसनपुर स्थित बहियार से पकड़ा गया, जिसके पास से विधिवत तलाशी में 02 देशी कट्टा एवं 02 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्त करते हुए इसके निशानदेही पर घटना में शामिल एक अन्य अपराध कर्मी कुंदन चौधरी पिता वीरेंद्र चौधरी उर्फ छोटन चौधरी ग्राम रघुनंदनपुर चकनायत टोला वार्ड नंबर 06 थाना भगवानपुर तेआईओपी जिला बेगूसराय को उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस की टीम ने दोनों पकड़ाए अपराध कर्मियों से कड़ाई से पूछताछ किया तो बीते दिनांक 28.09.24 को सुबह में पिधौली पंचायत के वर्तमान मुखिया को अपने अन्य सहयोगी साथी के साथ मिलकर धमकाते हुए फायरिंग करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। पुलिस ने पकड़ाए दोनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इस घटना में शामिल अन्य दो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि नितेश कुमार उर्फ नितेश नयन उर्फ मुरला के ऊपर 01 तेघड़ा थाना कांड संख्या 339/18 दिनांक -12.09.18 धारा -400/379/411 भादवी 02 तेघड़ा थाना कांड संख्या 294/21 दिनांक -29.09.21 धारा -25(1)(1)(25)(1)(b)(1)(26/35) आम सेक्ट 03 तेघड़ा थाना कांड संख्या 295/21 दिनांक 30.09.21 धारा -25(1)(1)(26) आम सेक्ट 04 बछवाड़ा थाना कांड संख्या 313/22 दिनांक 3:12.22 धारा 392/397 भादवी 05 बछवाड़ा थाना कांड संख्या 09/23 दिनांक -12.01.23 धारा 392/397 भादवी 06 तेघड़ा थाना कांड संख्या 26/23 दिनांक -19.01.23 धारा 379/541/506 भादवी एवं 27 आम सेक्ट आपराधिक इतिहास दर्ज है। वहीं कुंदन चौधरी के ऊपर 01 भगवानपुर थाना कांड संख्या 90/22 दिनांक 11.05.22 धारा 341/3233/07/379/504/506/34 भादवी आपराधिक इतिहास दर्ज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेघड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ रविंद्र मोहन प्रसाद, प्रभारी थाना अध्यक्ष ऋषिकांत, एएसआई नवीन कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित थे। चार व्यक्तियों ने उनके ऊपर फायरिंग की थी। जब उनके पिताजी अपने सरकारी बॉडीगार्ड से उनके पास चलते साथ बाहर आए, उसके बाद फायर करते हुए चार लोग भाग गए थे, जिनके नाम है सौरभ संभव कुंदन और नीतीश मुरली। तो उनके ऊपर फायरिंग करने का दहशत फैलाने का आरोप था और इसकी घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसडीपी देखना के निर्देशन में स्थानीय थाना पुलिस
मनी टीम और साथ ही हमारे साथ एसटीएफ ने भी दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से दो देसी फायर आर्म्स और दो राउंड और बुलेट्स भी हम लोगों को मिली हैं। कुछ ही घंटों में घटना का उद्घोषण करते हुए उन लोगों को पकड़ लिया गया। जो दो बचे हुए उनके भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अपने लोगों से पूछताछ जारी है।